ये जो साड़ी है ये पूरे 40 साल पुरानी साड़ी है, पूरी 40 साल पुरानी साड़ी है। और आज मैंने रेखा जी का लुक लिया है। मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं थोड़ी थोड़ी मॉडलिंग करूंगी और ये मेरी एक्टिंग है, मॉडलिंग है। तो पहले जो मैं रेखा जी को बहुत ज्यादा चाहती हूँ, बहुत चाहती हूँ मैं रेखा जी को। और पहले जो कलात्मक हीरोइन हुआ करती थी, अवार्डेड हीरोइन कहते थे उनको, जिसमें रेखा जी और स्मिता पाटिल जी और शबाना आजमी जी और परवीन बावी जी, तो ये लोग जो है बहुत ही, मतलब इन लोगों को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और खासतौर पर रेखा जी तो पूरे कलाकार को बिल्कुल जीवित ही कर देती हैं, ओरिजिनल बिल्कुल एक्टिंग करती है, उनका लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रही हैं। और बहुत सी चीजें, तो आज मैं इस साड़ी में रेखा जी का लुक लेकर के थोड़ी सी मॉडलिंग करूंगी। प्लीज बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, पूरे हिंदुस्तान को शांति नीना का नमस्कार। बुजुर्गों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार, और जो मेरे हम उम्र हैं उनको नमस्कार। और जो मेरी संस्कार वाली बहनें हैं वो तो हैं ही, मैं बिल्कुल भी बहुत संस्कारों से जीने वाली महिला हूँ, लेकिन मैं ये दिखाना चाहती हूँ, जो आजकल की जो लेडीज़ें हैं उनको भी मैं दिखाना चाहती हूँ कि मतलब जो एजेड लोग हैं वो भी सब करके दिखा सकते हैं। ये मतलब आप मतलब ये देखिएगा, मैं साड़ियों का अपनी कलेक्शन लेके आ रही हूँ। 20 साल पुरानी साड़ी हैं, 40 साल पुरानी साड़ी हैं, और मैं कलेक्शन 2021 तक की हीरोइन का कलेक्शन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मेरा आप लोग सपोर्ट कीजिए और मुझे साड़ियों का कलेक्शन दिखाना है कि आप लोग मेरे पास देखिए मैंने कितना मतलब साड़ियों का। मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक था, वो ये चाहते थे मेरी वाइफ जो है वो बहुत अच्छी बनी ठनी रहे, लेकिन मेरा भी ये ध्येय रहता था कि मैं सिर्फ अपने पति के लिए ही सजूं। मतलब मैं और क्या रहता है कि इंसान जैसे तैयार होता है या वो रहता है, उसे अपने को एक अपने हस्बैंड जिस बात में खुश रहे वो काम करना चाहिए। मेरे हस्बैंड जरा से मैं नाराज़ हो जाते थे यदि मैं कुछ पुराना कपड़ा पहन लूँ या कुछ अच्छे से नहीं रहूँ, तो वो नाराज़ हो जाते थे, कहते थे अच्छे से रहा करो। बस तब से फिर मैंने, और मेरी सास भी बोलती थी, और मैंने आज रेखा जी का लुक दिया है। ये साड़ी जो है मैंने आप लोगों को बताई, ये 40 साल पुरानी है, और रेखा जी इस प्रकार के कान के पहनती हैं, ये गले में ये पहनती हैं। मुझे मालूम है मेरे हस्बैंड नहीं है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, ये एक संस्कार वाली बात है, लेकिन मैंने मेरे ज़िंदगी में मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, तो आज मेरा पूरी फैमिली, मेरे सारे बच्चे, मेरे बहू बेटे सब मुझे आज उन लोगों ने ये वीडियो बनवाया है आगे लेके, मम्मी आप खुश रहिए, तो मेरा सपोर्ट कीजिएगा। और संस्कार मेरे वही हैं, जो कुछ करो अपनी फैमिली के लिए करो, अपने पति के लिए करो, अपने पति को दिखाओ। ये मैं साड़ियों का कलेक्शन दिखा रही हूँ कि कितने पुरानी साड़ियाँ मैंने रखी हुई हैं, और पुरानी हीरोइनों को याद करती हूँ मैं, उनको भी तो याद करना पड़ेगा। तो मेरा सपोर्ट कीजिए। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे कभी जीवन में इस YouTube से जो भी कभी पैसा यदि मिलता है तो मेरे लिए नहीं, तो उसके मैं 3 हिस्से बताऊंगी कि मैं क्या क्या करूंगी उस पैसे से, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। जय श्री राम।